हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो अभी हम हैं उदयपुर में विद दिस न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और आज हम शेयर करने वाले इसके टॉप एंड मॉडल का फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। क्या क्या यहाँ पे फीचर्स हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करेंगे विद द राइवल कार्स, ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट है, मैंने फटाफट से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस कार के हर एक मॉडल का डिटेल वॉक अराउंड हम आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाले। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे की मिलती है, लॉक और अनलॉक बटन दिया गया है, एंड ये है कार की फ्रंट लुक। इसकी जो वेरिएंट्स इंजन ऑप्शन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं फ्रंट फेशिया के बारे में। ये है 3 एलिमेंट डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि टर्न इंडिकेटर की तरह भी वर्क करती है। और यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल है, हाई बीम लो बीम LED प्रोजेक्टर में दी गई है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल, काफ़ी क्रोम फिनिश यूज़ करा गया है। कैमरा भी आपको मिल जाता है, तो 360 कैमरा अवेलेबल है। डाउनवर्ड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो अगेन पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे फिनिश। और ये है साइड प्रोफाइल, यू कैन सी द क्लैडिंग, व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग, दीज आर द अलॉय व्हील्स। 17 इंचेस के दिए गए हैं, 215/60 R17। ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स दिए गए हैं, नीचे इसके कैमरा अवेलेबल है। यहाँ पे आपको पैसिव कीलेस एंट्री मिल जाती है, हैंड क्रोम फिनिश विंडोज़ के पास। डोर ओपन करेंगे तो दोनों ही फ्रंट डोर्स के नीचे यहाँ पे एक पड़ लैंप अवेलेबल है, एंड यहाँ पे स्लीक रूफ रेल्स, सनरूफ जो कि कैबिन में काफ़ी वाइड ओपन होती है, फुल साइज सनरूफ है, यहाँ तक कंप्लीट ओपन हो जाती है। डबल पैनल शार्क फिन एंटेना, दिस इज द बिग साइज क्वार्टर ग्लास। और ये है रियर लुक, बिग साइज की स्किड प्लेट अवेलेबल है, एडजॉइनिंग यहाँ पे आपको टेल लैंप मिलेगी। हाइब्रिड की बैजिंग, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, रिवर्सिंग लैम्प एंड नॉर्मल रिफ्लेक्टर। यहाँ पे ग्रैंड विटारा की बैजिंग, रियर में वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हेलोजन में दी गई है। और यहाँ पे अनलॉक एंड लॉक का बटन, यहाँ पे ग्रैब हैंडल। और ये है टोटल बूट स्पेस, सो ये है हाइब्रिड का बूट स्पेस और ये है नॉन हाइब्रिड का बूट स्पेस। साथ में स्पेयर टायर आपको यहाँ पे प्लेस नहीं मिलता, वो अंडर बॉडी प्लेस मिलेगा सेमी हाइब्रिड या फिर स्मार्ट हाइब्रिड में, यहीं पे प्लेस मिलता है। एक लैम्प दिया गया, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर भी कुछ स्टोरेज एरिया इफ यू कैन सी, एंड यहाँ पे भी साथ में ग्रॉसरी हुक। 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। सो बिफोर गोइंग अहेड गाइज, ये है इन्वॉल्व की फ्रेंच वुड परफ्यूम। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड लग्जरी फ्रेगनेंस है, बहुत ही मस्की स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस मिलती है। 45-50 डेज ये आराम से चल जाती है। इट इज़ मेड इन इंडिया परफ्यूम, लीक प्रूफ परफ्यूम मिलती है। अभी कभी विजिट करें involvyoursenses.com, यूज कूपन को टीम कार डिलाइट। और ये है साइड प्रोफाइल, यहाँ पे फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। देर आर नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स जो कि यहाँ पे ऑफर करे जा रहे हैं। और अब चेक करते हैं इंजन ऑप्शंस। और सबसे पहले बोनेट को ओपन कर देते हैं, यहाँ से हम बोनेट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लेट को। साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है, फायर वॉल पर भी मिल जाता है। और आप यहाँ पे ऑरेंज वायर देख सकते हैं, वो हेवी ड्यूटी वायर्स दी गई है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे अंडर बॉडी देखेंगे आप तो अंडर बॉडी फ्रंट में इंजन गार्ड अवेलेबल है, ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरियंट में कम्प्लीट बॉडी गार्ड मिलेगा अंडर। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाता है। सो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिटेल में टेस्ट ड्राइव में एक्सप्लेन करा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। माइलेज इज अराउंड 28 km/h। अब चेक करते हैं इंटीरियर्स,
सो यहाँ पे भी डोर के नीचे आप देख सकते हैं लैम्प दिया गया है। कार को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ईवी मोड पे स्टार्ट हुई है तो यू कैन सी कम्प्लीटली साइलेंट है। यहाँ पे इस पेडल को प्रेस करूँगा मैं तो आप देख सकते हैं अभी इंजन मोड पे आ गई, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ द कार। लेदर फिनिश दी गई है, कुशन लेदर, स्टिचिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है, इवन ऑल फोर डोर हैंडल्स के नीचे आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। फ्रंट फुटवेल जो है दैट इज़ एल्यूमिनेटेड। जैसे आप कार को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा 360 कैमरा व्यू मिलेगा जो कि कम्प्लीटली आपको सराउंडिंग्स को शो कर देता है प्रॉपरली, आसपास क्या है, एग्जैक्ट टायर के आसपास क्या है वो भी शो करेगा। एंड ये है फ्रंट सीट्स, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर में 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन। एंड ओपन करते हैं पैनोरामिक सनरूफ, और ये है फ्रंट डोर। यहाँ पे भी लेदर फिनिश मिलती है, लेदर कुशन फिनिश दी गई है। ऑल फोर पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन ऑटो अप, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल में लगा इल्यूमिनेटेड, पावर डोर लॉक स्विच, ORVM कंट्रोल्स, इसके नीचे एम्बिएंट लाइट, स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, और यहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो ये हेडजप डिस्प्ले के हैं, इस पर प्रेस करेंगे तो 360 कैमरा का जो सराउंड व्यू है वो आपको मिल जाएगा, तो रिवर्स गियर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है हेडलैम्प लेवलर, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का स्विच मिलता है विद क्रोम सराउंड्स। इसको क्लोज कर लेते हैं, कोई भी डोर ओपन होगा, इवन यहाँ पे अगर बोनट भी ओपन होता है उसका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। फर्स्टली ये है हेडजप डिस्प्ले, तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है जो हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है ऊपर नीचे, यहाँ से हम कर सकते हैं। इवन ब्राइटनेस के अलावा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी आप पोजीशन भी सेट कर सकते हैं ताकि आप जब ड्राइव करें तो ये पूरा विजिबल रहे। और यहाँ पे डिजिटल लाइफ स्पीड शो होती है, साथ में गियर पोजिशन इंडिकेटर, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिजिटल क्लॉक, बैटरी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे 3 टाइप ऑफ डिस्प्लेज अवेलेबल हैं, कोई भी आप ऑफ कर सकते हैं। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, फ्लैट बॉटम नहीं मिलता, नॉर्मल यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दिया गया, और एडजस्टमेंट अवेलेबल है टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिंग। लेफ्ट साइड यहाँ पे MID कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ में ऑडियो कंट्रोल्स, एंड ये है ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स। यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर क्रूज कंट्रोल्स। यहाँ पे वाइपर, 2 वाइपर वॉशर जो कि 3 साइड स्प्रे करता है, एंड दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स। और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट दी गई है। आर्मरेस्ट आपको कुशन लेदर मिलती है, आर्मरेस्ट पे हैंड प्लेस करके आप यहाँ पे गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टोरेज एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे ट्विन आपको कप होल्डर स्पेस मिल जाती है। देयर आर दीज कूल फ्रंट सीट्स, आप ईवी मोड में यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड आपको मिल जाते हैं, 2 ड्राइव मोड हैं, इको मोड एंड पावर मोड। ईवी मोड में आप शिफ्ट कर सकते हैं अप टू 25 किलोमीटर्स ईवी मोड में चलेगा, एंड ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट होता रहता है तो साइड बाय साइड जो बैटरी है वो चार्ज भी होती रहती है। दिस इज़ द रियर व्यू कैमरा, एंड जो गाइडलाइंस है दे आर अडैप्टिव। ORVM यहाँ पे लेफ्ट साइड जो टायर है उसका व्यू भी आप ले सकते हैं, जो गाइडलाइंस है प्रॉपर आपको अडैप्टिव मिलती हैं। रिवर्स आप करेंगे तो कुछ ऐसा डिस्प्ले मिलेगा, जैसे आप डी मोड में डालते हैं गाड़ी को तो फ्रंट कैमरा का आपको डिस्प्ले मिल जाता है फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि 15 की स्पीड तक आपको डिस्प्ले मिलेगा, देन वो हट जाता है। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, देयर इज सम स्पेस, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB पोर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्लीकेशन प्ले एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है, तो कोई यहाँ पे वायर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप गाड़ी में स्टेप इन करेंगे ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन कनेक्टेड रहेगा, सॉन्ग प्ले कर सकते हैं गूगल मैप्स के थ्रू, यहाँ पे आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। सो सब कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है, इनबिल्ट नेविगेशन ही देगी तो गूगल मैप्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कन्वीनियंट। एंड देन यहाँ पे USB ब्लूटूथ एंड रेडियो को भी सपोर्ट करेगा। 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट रेडर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको साउंड भी मिल जाती है डिफरेंट, लाइव साउंड आप ऑप्ट कर सकते हैं या फिर बेस बूस्ट हो गया तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन, इवन टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, काफ़ी सारी ऐप्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इवन न्यूज़ भी आप सुन सकते हैं, मैसेजेस जो है उसका रीड आउट मिल जाता है, किसका मैसेज आया, व्हाट इज़ द मैसेज ऑल अबाउट। टच कंट्रोल्स दिए गए हैं,
और यहाँ पे व्हीकल डेटा मिल जाएगा, एवरेज स्पीड और एम्बिएंट लाइट को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह, व्हीकल अलर्ट, कोई फॉल्ट वगैरह तो उसका अलर्ट, बैटरी का एनर्जी का फ्लो भी आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, वायरलेस चार्जिंग ऑन एंड ऑफ है। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि डिटेल में भी आपको बताता है सब कुछ, ड्राइविंग रेंज यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी एवरेज क्या आ रही है। सो यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है इन हाइब्रिड, इवन जो हेड्स अप डिस्प्ले वो भी प्रॉपर टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो करेगा, तो वो कहीं देखने की जरूरत नहीं, सीधा आप वहाँ पे देख सकते हैं जो कि ड्राइविंग टाइम ऑलरेडी आपको विजिबल रहेगा। यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है, एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम और ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर की यूनिट को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, कोई लो फ्यूल रिमाइंडर है, कोई सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो मिल जाता है साथ में, एनर्जी फ्लो, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले होगा। सो एनर्जी फ्लो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग साइज ग्लव बॉक्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद एल्यूमिनेशन, यहाँ पे टू फ्रंट में हेलोजन लैंप्स दिए गए हैं, देन सन ग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद एल्यूमिनेशन। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स, कोई भी डोर ओपन होगा, टेल गेट या फिर बूट, सबका रिमाइंडर मिलेगा। और ये है रियर डोर की लुक, सो स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश, गोल्डन फिनिश, क्रोम फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर नॉट एल्यूमिनेटेड, यहाँ पे अगेन लेदर कुशन। ये है रियर सीट्स, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है, सेंटर में आर्मरेस्ट दी गई है विद ट्विन कप होल्डर स्पेस, एंड आर्मरेस्ट आपको यूज़ नहीं करनी तो उसको ऐसे फिक्स भी कर सकते हैं विद दिस हुक। और फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट, दिस इज द सनरूफ, रियर एसी वेंट, एक मोबाइल पॉकेट, एक USB चार्जर और एक सी टाइप चार्जर, और ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे भी लैम्प अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल पे इवन आपको कोट हैंगर भी मिलेगा। और ये हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, एंड दिस इज द डैशबोर्ड लुक। फॉरवर्ड से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों।